हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। किचन की अपन अंदर एंट्री कर रहे हैं और किचन के एंट्री करने से पहले आप देख सकते हैं जो दरवाजे की जो चौखट है वो ग्रेनाइट में है और यहाँ पर वेंट जो लगाए हुआ है वो भी आप देख सकते हैं ग्रेनाइट की फोटो फ्रेम यहाँ पर बनाई हुई है। किचन के अंदर अपन एंट्री करते हैं तो फ्लोरिंग की बात करें तो कटनी मार्बल यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग के अंदर लगाई हुई है। कटनी मार्बल अगर आप लगाते हो आपके फ्लोरिंग में तो क्या लुक रहने वाला है आप इसे देख सकते हैं। देखिए किचन बड़ा है, जगह बड़ी है, अगर आपके मकान के अंदर भी अगर आपको जगह मिलती है तो आप हमेशा बड़ा किचन बनाएं ताकि आपको कंफर्टेबल फील महसूस हो। कम जगह में अगर आप किचन बना रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जगह हो तो आप इस प्रकार का किचन जरूर बना सकते हो। इस साइड आप देख सकते हैं किचन का एक वर्टिकल यहाँ पर बहुत ही बेस्ट लुक में आपको कैसा दिख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। वर्टिकल लगाया हुआ है, ये जगह जो छोड़ी हुई है वो फ्रीज के लिए छोड़ी हुई है और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शन पट्टी के रूप में ग्रेनाइट का ही यूज किया हुआ है। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो पिंक मार्बल का यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो कच्चा रहता है वो यहाँ पर लगाया हुआ है मार्बल में। टाइल्स की बात अपन कर रहे हैं तो टाइल्स आप देख सकते हैं 24-12 की टाइल्स फुल हाइट तक, जैसा कि आप देख रहे हैं दीवार तक, ऊपर वाली दीवार तक यहाँ पर टाइल्स लगाई हुई है। आप भी अगर आप किचन बनाने के हो तो कहीं जगह पे 4 फीट देखी है मैंने, कहीं जगह पे 5 फीट है, लेकिन अगर आप एक बार में अगर फुल हाइट तक टाइल्स लगा लेते हो तो आपको कलर करवाने की हमेशा के लिए आपको झंझट जो खत्म हो जाएगी, आपको वापस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दीवार खराब भी ना आपको नहीं होगी। प्लेटफॉर्म की बात करें तो अपन यू टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक साइड से आप देख सकते हैं डबल बाउल का किचन सिंक और सिंक को यहाँ पर नहीं लगाकर स्वान नेक लगाया हुआ है और यहाँ पर ओटीएस की एक बड़ी विंडो ताकि आपके किचन में उजास रहे, आपको अंधेरा नहीं लगे, इसलिए यहाँ पर ओटीएस है और ओटीएस एक बड़ी विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ हवा उजास के लिए यहाँ पर लगाई हुई है। और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 इंच की पट्टी लगाकर टाइल्स की यहाँ पर शुरुआत की हुई है। यहाँ पर किचन की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर स्टोर रूम बनाया हुआ है। कई कई जगह मैंने देखा है कि किचन बनाते हो और स्टोर रूम में बनाते, अगर आप स्टोर रूम नहीं बनाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा जो सामान रहता है वो रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं पास में स्टोर रूम बनाए हुआ है, स्टोर रूम में फ्लोरिंग की बात करें तो कटनी मार्बल जो सेम पूरे मकान में लगाया है वो लगाई हुई है। और यहाँ पर सामने एक सेल्फ और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी पिंक मार्बल की अलग अलग प्रकार की सेल्फ है यहाँ पर लगाई हुई है। कुल मिला के किचन का ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है, आपका एक्स्ट्रा जो सामान रहता है किराना स्टोर की बात करें या फिर आपको अन्य किचन में जो मटेरियल लगता है या फिर कोई मशीनरी अगर आप जो रेगुलर यूज करते हो तो आप पास में रहें उसके लिए आपको इस प्रकार के छोटे से स्टोर रूम की जरूरत होती है जो आप देख सकते हैं इस प्रकार की सेल्फ बनाकर यहाँ पर लगाए हुए। आप भी अगर नया मकान बना रहे हो तो इस प्रकार की गलती कभी नहीं करें कि वहाँ स्टोर रूम नहीं बनाए, स्टोर रूम जरूर बनाए, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है सामान रखने के लिए। कुल मिला के बहुत ही बेस्ट किचन यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसा कि मैं ओटीएस में खड़ा रहकर आपको लुक बता रहा हूँ। आपको कैसा लगा किचन कमेंट में हमारे जरूर बताइएगा और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर इस चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।